तो ये है अपनी सुपर लग्जरी वॉल्वो बस जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी। भाई सब बस है यार, प्लेन, लुक एट इट। तो ये अपनी सीट, सीट कम भैया, बेड ज़्यादा है। राइट साइड की सीट ऐसी है जो सिंगल पैसेंजर्स के लिए है, बाहर का व्यू वो है। और बस के अंदर इंटीरियर की बात करें तो ये है बस का इंटीरियर, प्रॉपर लग्जरी बस है। यहाँ पर एसी वेंट लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ोन चार्जिंग के लिए यूएसबी लगा हुआ है भाई साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और हम पहुंच गए हैं जम्मू, हम बस स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट में हैं। तो जितने भी लड़के और आदमी इस बस में हैं, सबको इस चेक पॉइंट से पहले बस से उतार दिया गया। फिर किसी पुलिस वाले ने, मतलब जो चेक पॉइंट में पुलिस वाले हैं, उन्होंने बस के अंदर कोई प्रॉपर चेकिंग करी है। आई डोंट नो ये क्या नॉर्मल रूटीन चेक है कि सारी बसेस का ऐसे ही रूटीन चेक होता है, या जस्ट बिकॉज ऑफ 15 अगस्त। अगर आप लोगों के साथ भी बस ट्रैवल में कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, बिकॉज मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। तो फाइनली 13 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं कटरा जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव ब्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन, नया सफर। जी हाँ, आज का जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ कटरा जम्मू माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और मैं इस ट्रिप के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी माता वैष्णो देवी नहीं गया हूँ दर्शन के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस होने वाला है, जो मेरा सफ़र होने वाला है दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ एक बस से। और ये बहुत लोगों की एक दुविधा जो रहती है, जो लोग ट्रैवल करते हैं दिल्ली टू वैष्णो देवी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे तो बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो वो किसको चूज़ करे, या बस को करे या ट्रेन को करे, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ट्रेन के ऊपर आज एक बस को चूज़ किया है, और ये नॉर्मल कोई बस नहीं है, ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ जो बस ऑपरेटर हैं, लक्ष्मी हॉलीडेज़ की एक सुपर लग्जरी स्लीपर बस में मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसका किराया मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये। अगर मैं बात करूँ ट्रेन की, ट्रेन वंदे भारत, अगर मैं वंदे भारत की बात कर लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो जाती हैं दिल्ली टू कश्मीर, दिल्ली टू जम्मू जाती हैं, कटरा जाती हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन मैं अगर वंदे भारत की बात करूँ तो मुझे वंदे भारत की जब मैंने टिकट्स देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आज तक ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, वंदे भारत में कभी ट्रैवल नहीं किया, तो मैं जब उनकी ट्रेन की टिकट देखी तो वो 1600 रुपये की थी और बेसिक चेयर सीट थी। लेकिन मैं मानता हूँ उसमें 8 घंटे लगते हैं, कि वो सुबह 6 बजे चलती है और 2-2.5 बजे वहाँ पर कटरा पहुँचा देती है। बस का जो ट्रैवल होगा वो शाम को, आज मेरा जो शुरू होगा वो होगा 6:30 बजे, और बस मुझे कल सुबह 7:30 बजे कटरा बस स्टैंड पे उतार देगी, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे। बट डिफरेंस ये है कि ये एक स्लीपर बस है, साफ सुथरी बस है, और बस दिखने में बस नहीं लगती है, पूरा पूरा जहाज ही लगता है। मैंने इन रियल अभी तक नहीं देखा है, बट मैंने जैसे वीडियोज देखी हैं और थोड़ा बहुत जो पिक्चर्स देखा है और जो थोड़े बहुत रिव्यूज पढ़े हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये बस से और इस ट्रैवल से मैं डिसअपॉइंट नहीं होने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, या आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों को भी बस से ट्रैवल करना चाहिए रादर देन गोइंग विद ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में देखिए जो वंदे भारत की जो टिकट्स हैं वो 1600-1700 रुपये की है, बेसिक चेयर सीट आपको मिलने वाली है, दो आपको खाना मिल जाएगा, 8 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर जो जो ओल्ड एज, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनको अगर थोड़ा आराम चाहिए, अगर आप रेस्ट करते हुए जाना चाहते हैं, तो आई थिंक स्लीपर बस ज़्यादा सही रहती है ओवर ट्रेन, नॉर्मल सिटिंग वाली बस ट्रेन्स में। तो इस वीडियो में वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा, इंटीरियर, पूरा बस का जो जर्नी रहेगा वो सब आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारा ट्रिप और बहुत सारा बस ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल होने वाला है, अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करूंगा। अभी शाम के बजे 4 मेरा जो सफ़र होगा वो 6:30 बजे शुरू होगा, लेकिन मैं घर से निकल जाऊंगा 4:45-5 बजे, क्योंकि मैं रहता हूँ गुड़गांव, और जो मेरा सफ़र है वो आज कश्मीर के दिल्ली से स्टार्ट होगा 6:30 बजे,
और सुबह 7:30 बजे पहुँचा देगी। जैसे मैंने बताया 1100 रुपये मेरे को टिकट लगा है। लक्ष्मी हॉलीडेज की बस है, सुपर लग्जरी वॉल्वो 9600, फुल्ली स्लीपर बस है, एसी बस है, साफ सुथरी बस है। तो मैं फटाफट अपना बैग पैक करता हूँ, टैक्सी बुलाता हूँ और द्वारका पहुँचता हूँ। वहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधा पहुँचते हैं नई दिल्ली और फिर वहाँ से कश्मीरी गेट और फिर वहाँ से अपना आज का जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और माता रानी ने बुलाया है तो ये पूरा ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा है, क्योंकि मैं आज तक कभी वैष्णो देवी नहीं गया हूँ। तो फटाफट निकलते हैं अपने सफ़र के लिए और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो कैब पकड़ के मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन और मैं यहां से अब लेने वाला हूं एयरपोर्ट मेट्रो, बिकॉज वो आधे घंटे मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतार देगी। फिर वहां से मैं चेंज करके पहुंच जाऊंगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। अभी हम हैं धौलका मेट्रो स्टेशन का, ये लुक है, हमने सिर्फ धौलका मेट्रो स्टेशन अभी क्रॉस किया है। आप सामने देख सकते हैं वो भी एक मेट्रो जा रही है, वो पिंक लाइन है, सीधी जाती है, कहाँ जाती है, पीतमपुरा रजौरी गार्डन इस लेन में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने बोर्डिंग पॉइंट जो कि है HP पेट्रोल पंप नियर टू कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और हमारी बस आ चुकी है, लोगों ने बोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बस का इंटीरियर दिखाता हूं, ये अपने ड्राइवर साहब जो फोन में बिजी हैं। ये है बस का इंटीरियर, सुपर लग्जरी वॉल्वो 9600 लक्ष्मी हॉलीडेज की ये बस अमेजिंग लग रही है मुझे। आई एम श्योर आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप बस का इंटीरियर देखो, जो कलर है वो कितना अच्छा चूज़ किया हुआ है। और ये सीट्स जो हैं राइट में आप सिंगल बंदे के लिए, लेफ्ट में है दो बंदों के लिए। बस का लुक देखो दोस्तों, ये मतलब सीट कम है, बेड ज़्यादा लग रहा है, मिनी बेड। मतलब आई एम श्योर ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है, मतलब स्पेशियस कितना ज़्यादा है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं दिल्ली टू कटरा, तो इस बस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मात्र 1100 रुपये फेयर पड़ा है, मात्र 1100 रुपये हमारी ये है सीट। ये लगे हुए हैं चार्जिंग पॉइंट, ये लगा हुआ है एसी वेंट। अगर मैं बात करूँ सीट की तो देखो, मतलब इट्स वेरी क्लीन, सामने आप बैग रख सकते हैं, दोनों बैग रख सकते हैं। और ये अपना हमारी जो सीट है वो इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ में, मतलब वही सीट है। और ये मेरा कज़न इसमें लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको लग नहीं रहा है, मैं इसको हेल्प कर देता हूँ। ये USB पॉइंट है, आईफोन भी चार्ज हो सकता है, नॉर्मल फ़ोन भी चार्ज हो सकते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अब इसको हम लगाएंगे और हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब टेंशन ही नहीं है अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो कि यार फ़ोन चार्ज होगा नहीं होगा। अगर बात करें AC वेंट्स की, AC वेंट पूरे चल रहे हुए हैं, ये अपने लाइटिंग के लिए, रात को अपने के लिए, बाकी कंफर्टेबल है, परफेक्ट है। लाइट को ऑन ऑफ का कंट्रोल भी आपके ही हाथ में है, एज इन लाइक अगर आपको रात को लाइट बंद करनी है तो आप कर सकते हो। AC वेंट, अगर रात को ठंड लग रही है तो उसको ही बंद कर दो यार। मतलब है, मतलब एक्सेसिबल है हर चीज़, ऐसा नहीं कि ड्राइवर के पास जाना है और उसको बोलना है कि यार ये सब चीज़ें करिए। दूसरा, आप यहाँ पर बैग रख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों साइड बैग रख सकते हो। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, ये प्राइवेसी के लिए इन्होंने अंदर पर्दा लगाया हुआ, ये मैंने चीज़ कहीं पर भी नहीं देखी, किसी बस में भी नहीं देखी है। मतलब अगर दो लोग अलग अलग, मतलब इस सीट पे दो अलग अलग लोग बैठे हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं, वो उनके लिए कितना अच्छी चीज़ है। और हमारा अब सफ़र शुरू हो चुका है दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी के लिए। राइट साइड में आप देख रहे हैं गुरुद्वारा जो है मजनू का टीले, मतलब ये मजनू का टीला गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस है। और जो बसेस चलती हैं वो कश्मीरी गेट होते हुए, मजनू का टीला होते हुए, फिर अपना GT करनाल रोड की तरफ जाते हैं। तो राइट साइड में देखिए ये है गुरुद्वारा। तो बोलते हैं वाहेगुरु ते खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ऊपर वाले का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, 13 घंटे का सफ़र है। तो आई थिंक ऑल द विशेज विद अस। ये अपना एरिया, अपना सफ़र, ये दिल्ली है। और आई एम श्योर क्या कहते हैं, ये सफ़र बहुत ही कंफर्टेबल, सीट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं। बाकी मैं, मेरे को लग रहा है कि बारिश होगी, बट लेट्स सी कि बारिश होती है नहीं होती है वहाँ पहुँचते, क्योंकि मैंने कल जब जम्मू का वो देखा था कि वेदर देखा था, तो जम्मू में बारिश दिखा रहा था। ऐसा ना हो कि जब हम अपनी यात्रा शुरू करें तो वहाँ बारिश होने लगे, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर माता रानी की कृपा रही तो आई थिंक बारिश नहीं होगी अभी यहाँ, तो दिल्ली में तो बारिश हो नहीं रही है। मतलब सुबह ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन थैंकफुल ऊपर माता रानी की कृपा से यहाँ बारिश नहीं हुई है। हम आराम से अपना भैया बस स्टैंड भी पहुँचे हैं, बस में बोर्डिंग भी करी है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। और
मेरा ये डिसीज़न कि दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी इस सुपर लग्जरी बस में ट्रैवल करने का, वो भी अभी तक मुझे गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के ट्रैफिक को हम कैसे भूल सकते हैं। आप ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और आज सैटरडे है, मतलब सैटरडे के दिन भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ ही फंस गए। और ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ ये ट्रैफिक लगा ही हुआ है। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी जो उस साइड पे ट्रैफिक में फंसा हुआ है। पता नहीं यार कितना ज़्यादा, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये ट्रैफिक, बट ये दिल्ली की रोज़ की बात है। बट दिल्ली मेरी जान। तो दोस्तों रात के बजे हैं 10, 3.5-4 घंटे का सफ़र हो चुका है। अभी हम हैं हवेली करनाल के पास, बस यहाँ रुकी है 20 से 25 मिनट के लिए जस्ट फॉर डिनर। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो भी जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो बस रुकेगी वो जम्मू के आसपास रुकेगी। अभी तक का जो सफ़र है वो ठीक रहा है भैया। सीट्स तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब बिल्कुल बेड वाली फील आ रही है, एसी सही चल रहा है। जो ड्राइवर है वो भी बस को ना ज़्यादा तेज़ चला रहा है ना ज़्यादा स्लो चला रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में हमने ऑलमोस्ट 175-180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ से अपना जो सफ़र है वो शुरू होगा दिल्ली टू कटरा का। एंड आई एम होपफुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह 7-7:30 बजे तक हमें बस कटरा ड्रॉप कर देगी। बाकी देखते हैं बस टाइम पे पहुंचती है नहीं पहुंचती है। बाकी यार ये हवेली जो रेस्टोरेंट है नहीं कि यहाँ की जो वाइब है वो अलग ही है, और मतलब सब कुछ है। खाना अभी दाल चावल खाए हैं, मतलब थोड़ा सा लाइट डिनर कर लिया है, और बस अभी थोड़ी देर में बस जैसे अपना सफ़र शुरू होगा मैं तो सो जाऊँगा, फिर सुबह ही उठूँगा 5-5:30 बजे। ये सबसे बेस्ट है अगर आपके पास कंफर्टेबल स्लीपर बस है तो। और ये बस आप देखो यार, ये बस नहीं है, पीछे बस खड़ी है, बस नहीं है, पूरा जहाज़ है। आई एम एक्चुअली वेरी इंप्रेस्ड विद लक्ष्मी हॉलीडेज़ की जो ये बस है, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है इस बस में। अमेजिंग बस है। बाकी अभी थोड़ी देर में सफ़र शुरू होगा तो फिर देखते हैं कैसा रहेगा। बार आप हवेली का लुक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सामने राजस्थानी डांस कर रहे हैं 3 भाई मिलके, अपना लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर ये मन्नत हवेली वालों ने अरेंज किया होगा। यहाँ की वाइब अलग है, मतलब आप किसी भी मन्नत हवेली पे चले जाओ, किसी भी हवेली रेस्टोरेंट पे चले जाओ, वहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं मिलेगा खाने पीने की अच्छी से अच्छी सुविधा। ये सामने खड़ा है अपना जेट, मैं इसको बस नहीं बुला रहा हूँ, आज जेट ही बुला रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब पूरा कम्फर्टेबल प्लेन वाला हिसाब किताब है इसमें। दोस्तों अपना सफ़र शुरू हो चुका है वापस डिनर के बाद, तो अभी के लिए गुड नाइट, आपको मिलते हैं हम सुबह, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह के बजे हैं 6 और हम अपनी डेस्टिनेशन कटरा से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर हैं। मैंने अभी गूगल मैप्स पे देखा था तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। मैं सही बताऊँ तो रात को 11:30-12 बजे मेरी आँख लगी थी, और अभी बस मैं 5 मिनट पहले उठा हूँ यार। अभी तक का सफ़र बहुत कंफर्टेबल रहा है, ये सीट्स कम हैं, मतलब बेड जैसी ज़्यादा फीलिंग है, और मस्त नींद आई पूरी रात, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, जर्नी स्मूथ है, ड्राइव सही रहा। और बट देन यस एज आई सेड, अगर इफ इन केस यू गाइस आर आल्सो प्लानिंग कम डाउन टू कटरा, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कटरा आने का, तो इस बस से को ट्रैवल करके ज़रूर देखिए। आई एम श्योर यू गाइस विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बाकी एवरीथिंग हैज़ बीन परफेक्टली फाइन, मतलब सब कुछ सही रहा है। और अभी बस और 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा, और फिर करेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। बाकी आपको मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है। और हम कटरा जम्मू से ऑलमोस्ट
एक घंटा दूर है एंड लुक एट द व्यू मैन, सनराइज तो हुए काफ़ी देर हो गई है लेकिन कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। मतलब मैं तो उठ के बैठ ही गया हूँ ये व्यू सारा कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक बार देखो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है, मतलब व्यू एट इट बेस्ट यार, क्रेजी मैन लुक एट इट यार। मतलब कितना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह अपना हम जा रहे हैं दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी और पहुंचने वाले हैं, एक घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। थैंक यू, मतलब मज़ा आ गया यार, ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा फन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, वो सबसे ज़रूरी है। अगर मैं अगली बार भी अगर कटरा वैष्णो देवी आ रहा हूँ तो भाई मैं इसी बस में आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में आई डोंट थिंक मैं आऊँगा क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहा मेरा सफ़र। तो हम खड़े हैं चेक पॉइंट पे क्योंकि हमें बस से उतार दिया गया है। वहाँ पर अभी आप सामने देखेंगे वो सामने खड़ी है हमारी बस, वहाँ पर बस की चेकिंग हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ ये रूटीन चेकअप है या 15 अगस्त की वजह से हो रहा हुआ आई थिंक। हमने वापस बोर्ड कर लिया है चेक पॉइंट को क्रॉस करते ही अपना, मतलब बस का रूटीन जो चेकअप हुआ है कि इसमें कुछ ऐसी गलत चीज़ तो नहीं है, या हो सकता है ये रूटीन चेकअप हो या 15 अगस्त की वजह से हो। सामने आप देखो कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, कितना ज़्यादा सुंदर। हम किसी भी टाइम पे मतलब और 15-20 मिनट में पहुँचने वाले हैं कटरा वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दरबार, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पे और अब यहाँ पर आगे जाके राइट लेंगे। बस ये अपना होटल है क्लार्क सिंह जिसमें हम आज रुक रहे हैं, और चलो भाई साहब देख लिया हमने पास ही है, थोड़ी दूर ही होगा बस स्टैंड से, वॉक करते हुए पहुंच जाएंगे। एंड अगर मैं इस बस के इस पूरे जर्नी को अगर मैं रेटिंग दूं 10 में से तो दोस्तों 10 में से 10 है, एक पॉइंट भी कम नहीं है। द जर्नी हैज़ बिन गुड एंड आई एम थैंक यू, एंड मैं दिल से कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच आप लोग अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो 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 वेरी मच। और हमने बस को डिबूट कर लिया है, ये है अपनी बस और अब हम चले होटल की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच गए कटरा वैष्णो देवी, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और हम फाइनली कटरा वैष्णो देवी पहुंच गए। रियली एक्साइटेड एंड आई वांट टू थैंक यू गाइस, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं दिल से अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं, थैंक यू सो 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 वेरी मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।